गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। चलिए आज हम पढ़ते हैं स्टैम्प्स के बारे में। स्टैम्प्स जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैम्प्स में इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और फिर इसके कार्य पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, स्टैम्प होते हैं वो पौधे के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसकी सामान्य जानकारी, स्टैम होता है वो पौधे का आरोही भाग होता है। आरोही का मतलब होता है ऊपर की ओर वृद्धि करने वाला, तो जो स्टैम होता है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। दूसरा, इसके अंदर इसका रंग देखें हम तो दो तरह का होता है। शाकी पौधों में जो स्टैम होता है वो हरे रंग का होता है, जबकि कास्टी पौधों में इसका रंग होता है वो भूरा होता है। ये जो स्टैम्स होते हैं वो प्रकाशीय धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। अर्थात इसका मतलब होता है कि ये प्रकाश की ओर धनात्मक वृद्धि करते हैं, प्रकाश मिलता है उस साइड इनकी वृद्धि अधिक होती है, जबकि ये ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी होते हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? जो स्टैम होता है उसका निर्माण भ्रूण के प्रांकुर झोल से होता है। निर्माण किससे होगा? इसका निर्माण होगा भ्रूण के प्रांकुर चोल से, प्रांकुर चोल से, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे स्टैम की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और हम पढ़ेंगे अब इसका क्लासिफिकेशन स्टैम्स का। स्टैम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल स्टैम एंड मॉडिफाइड स्टैम्स। सिंपल यानी साधारण तना, मॉडिफाइड यानी रूपांतरित तना। साधारण तने का मतलब एक तना जो साधारण तने के रूप में ही कार्य करता है, जबकि मॉडिफाइड तने का अर्थ होता है कि तना विपरीत परिस्थितियों में रूपांतरित, अपना रूप बदल लेता है, उसे बोलते हैं रूपांतरित तना। तो स्वभाव के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है इसको। हम पढ़ेंगे पहले सिंपल तना। सिंपल में हम दो भागों में बांटते हैं आगे इसको, इरेक्ट तना और वीक तना। इरेक्ट यानी प्रबल तना और वीक यानी दुर्बल तना। इरेक्ट का अर्थ होता है प्रबल तना, ये मजबूत होता है, सीधा अपने आधार पर खड़ा रहता है, जबकि जो वीक तना होता है, दुर्बल तना होता है, वो सीधा अपने आधार पर खड़ा नहीं हो सकता। तो हम इरेक्ट तने में हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, हर्ब्स शूब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स शूब्स एंड ट्रीज, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या होती है? शाकी पौधे। ये एक मीटर जितने लंबे होते हैं, एक मीटर या एक मीटर से छोटे होते हैं, एक मीटर से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ये हरे रंग के होते हैं साधारणतया और दुर्बल होते हैं। इनके उदाहरण होते हैं सरसों और गेंदा। दूसरा हम पढ़ते हैं शूब्स, शूप। इनमें क्या होता है, ये एक से तीन मीटर तक लंबे होते हैं, एक से तीन मीटर तक लंबे हो गए। इसके अलावा इसमें शाखन बहुत ज़्यादा होता है और शाखन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम मूल तने को आसानी से नहीं पहचान सकते कि कौन सा मूल तना और कौन सा इसके शाखाएँ हैं। इसका उदाहरण हमारे पास है गुलाब। चलिए तीसरा, ट्री, बड़े बड़े बहुवर्षीय वृक्ष। ट्री को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुंबदाकार। मैं इसको रब कर देती हूँ, ये मैंने इसको मिटा दिया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में। चलिए सबसे पहले गुंबदाकार, कई वृक्ष देखे होंगे आपने इस तरह से, इनकी शाखाएँ होती है वो ऊपर बढ़कर इस तरह से, दूर से देखने पर ये इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, यानी कि गुंबद जैसी संरचना बना लेती है उसकी सारी शाखाएँ ऊपर बढ़कर। इसे बोलते हैं गुंबदाकार प्रकार के तने। इसके उदाहरण होते हैं आम और बरगद, ये बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं बरगद। दूसरा हमारे पास बहिवर्दी। आपने पहाड़ों पर चीड़ और देवदार के वृक्ष देखे होंगे इस तरह से, इसमें तने के जो पास वाली शाखाएं होती है वो इस तरह से लंबी होती है, और जो ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये शाखाएं होती है वो लंबाई में छोटी होती जाती है इस तरह से। इसे बोलते हैं बहिवर्दी प्रकार के वृक्ष। इसके अंदर इसका उदाहरण है हमारे पास चीड़ और देवदार। नेक्स्ट पुच्छी, नारियल का पेड़ देखा होगा, जी हाँ, कुछ इस तरह से, और इसके जो ऊपर की ब्रांचेज होती है वो इस तरह से संरचना बनाती है। ये हो गया पुच्छी, इसने कहते हैं पुच्छी प्रकार के वृक्ष। ये हो गया नारियल के अंदर। संधि स्तंभ, संधि स्तंभ का मतलब हो गया स्तंभ के अंदर बहुत सारी पर्व संधियों का पाया जाना। ये हो गया हमारा, इसमें स्तंभ लंबे होते हैं और ज़्यादा मोटे नहीं होते, उनके बीच बीच में इस तरह से पर्व संधियाँ पाई जाती है इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। संधि स्तंभ का उदाहरण है बांस। पत्तियाँ होती है वो पतली होती है, ब्रांचन इनमें ज़्यादा
नहीं होता है, इसे बोलते हैं संधि स्तंभ प्रकार के वृक्ष। तो हमने इरेक्ट तने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे दुर्बल तने। दुर्बल तने हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, विसर्पी, सर्पी और आरोही। विसर्पी, विसर्पी का मतलब होता है कि ऐसा तना जो कि भूमि पर लेटा हुआ रहता है, उसके वो सीधा खड़ा नहीं रहता। इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषता होती है इसके अंदर पर वो संधियाँ पाई जाती है। इसका उदाहरण है दूब घास। दूसरा हमारे पास है सर्पी तना। देखिए विसर्पी और सर्पी में एक मुख्य अंतर होता है कि जो विसर्पी प्रकार के तने होते हैं उनमें पर्व संधियाँ पाई जाती है, लेकिन जो सर्पी प्रकार के तने होते हैं उनमें पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती। तो सर्पी प्रकार के तनों के उदाहरण है गोखरू और दुग्धी। तीसरा होता है आरोही प्रकार का तना। ये तना सीधा खड़ा रहता है लेकिन एक आधार के सहारे, ये अपने किसी हिस्से के द्वारा उस स्तंभ को, उस आधार को पकड़ लेता है और उसके सहारे ऊपर की ओर बढ़ता है। इसके उदाहरण है पान और कद्दू। ये मुख्यतः बेलें होती है जो कि किसी सहारे के द्वारा ही ऊपर चढ़ सकती है। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में। मॉडिफाइड स्टेम्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, पहला भूमिगत, दूसरा अर्धवायवीय और तीसरा वायवीय प्रकार के तने। अर्धभूमिगत का मतलब होता है पूरी तरह से भूमि के अंदर पाए जाने वाले तने। अर्धवायवीय का मतलब आधे भूमि के अंदर और आधे भूमि से बाहर पाए जाने वाले तने। वायवीय पूरी तरह से भूमि से बाहर पाए जाने वाले तनों को बोलते हैं वायवीय प्रकार के तने। तो पहले हम पढ़ेंगे भूमिगत तने, यानी कि भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ये तने देखिए मोटे होते हैं, खाद्य संचयन का कार्य करते हैं और फूलकर मोटे और मांसल हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकंद, दूसरा घनकंद, स्तंभकंद और उसके बाद शलकंद। प्रकंद में क्या होता है, मुख्यतः है ये थोड़े मुलायम होते हैं, मोटे होते हैं, खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं और मांसल होते हैं। इसका उदाहरण हो गया अदरक और हल्दी। फिर हम पढ़ेंगे घनकंद के बारे में। घनकंद थोड़े कठोर टाइप के होते हैं, इसका उदाहरण है शक्करकंद और अरबी। फिर हम पढ़ेंगे स्तंभकंद के बारे में। स्तंभकंद इसकी आकार इनका निश्चित नहीं होता है, थैलीनुमा आकृति होती है इनकी, और इसका उदाहरण है हमारे पास आलू। इसके बाद हमारे पास शलकंद। शलकंद देखिए मुख्यतः जो भूमिगत कलिका होती है उसका रूपांतरण होता है। जो शलकंद होती है ये भूमिगत कलिका का रूपांतरण होता है, और इसका उदाहरण है प्याज और लहसुन। फिर हम पढ़ेंगे अर्धवायवीय तनों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी का मतलब हो गया ये तने होते हैं ये भूमि के बाहर पाए जाते हैं, पतले होते हैं, दुर्बल होते हैं और अधिकतर ये भूमि के ऊपर लेटे हुए रहते हैं। इनके अंदर पर्व संधियाँ पाई जाती है। तो इसका उदाहरण हो गया दूब घास और स्ट्रॉबेरी। ध्यान रखिए इनके अंदर पर्व संधियाँ मिलेंगी, पतले होते हैं। दूसरा हो गया अंतर्भूस्तारी। अंतर्भूस्तारी के अंदर होता है तिरछी वृद्धि। ये क्या करता है, जैसे कि हमारे पास ये भूमि के अंदर इसमें एक तना है, मुख्य तने से भूमि के अंदर से तना निकलेगा और तिरछी वृद्धि करेगा इस तरह से। जो अंतर्भूस्तारी होते हैं वो कभी सीधी वृद्धि नहीं करते, भूमि के अंदर से ही निकलते हैं सीधे, और अंदर से निकलने के बाद तिरछी वृद्धि करते हैं। इसका उदाहरण हो गया हमारे पास पुदीना और अनानास। फिर हम पढ़ेंगे भूस्तारिका। भूस्तारिका प्रकार के तने होते हैं, मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, जलीय प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। जलीय प्रकार के पौधों में देखिए क्या होता है, इसमें भूमि के अंदर जैसे कि ये रेशेदार इनके अंदर जड़ें पाई जाती है जलीय पौधों के अंदर, और इसमें ऊपर पत्ती पाई जाती है इस तरह से। तो जो तना होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जो पत्तियां होती हैं ऊपर गुच्छेनुमा संरचना में पाई जाती है। इसका उदाहरण होता है हमारे पास जलकुंभी और पिस्टिया। फिर आखिरी हमारे पास भूस्तारी। भूस्तारी का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास एक पौधा है, इस पौधे की अगर हम कोई भी ब्रांच इस तरह से, जैसे कि इसमें ब्रांचिंग है, अब इसकी कोई भी एक ब्रांच अगर हम लेकर इस तरह से भूमि में दबा दें, ये भूमि में दब गई। भूमि में दबाने के बाद जो इसकी मुख्य जो शिरा होता है अंतिम, इस सिरे से नई ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये मुख्य पौधे की तरह कार्य करने लगता है। कुछ समय बाद अगर इसे यहाँ से काट दिया जाए तो ये एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ये मुख्यतः किसमें पाई जाती है ये विशेषता मेंथा प्रकार के जितने भी पौधे हैं मेंथा प्रजाति के उनमें पाई जाती है। दूसरा ये विशेषता चमेली के पौधों में भी पाई जाती है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे वायवीय प्रकार के तने। तो वायवीय प्रकार के तने वो होते हैं जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में बनते हैं। ये तने ही के रूपांतरण होते हैं जो कि पौधे को अनुकूल परिस्थितियां लाने के लिए अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। जैसे कि इसमें पर्णा प्रकार के स्तंभ। पर्णा प्रकार के स्तंभ किसमें पाए जाते हैं, मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों के अंदर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों में ये क्या करते हैं, तना होता है वो पत्ती में रूपांतरित हो जाता है जो कि जल खाद्य पदार्थों का अपने अंदर संग्रहण कर लेता है, वो फूलकर मोटा और मांसल हो जाता है। ये तने मुख्यतः नागफनी और उफोर्बिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा है प्रतान प्रकार के स्तंभ। प्रतान में क्या होता है, इनमें जो स्तंभ होता है वो पतले पतले धागेनुमा इस तरह से संरचना में रूपांतरित हो जाता है और किसी सहारे से लगकर ऊपर की ओर वृद्धि करता है, इसे बोलते हैं प्रतान प्रकार के स्तंभ।
इसमें अंतिम हमारे पास कंटक प्रकार का स्तंभ, कंटक यानी कि कांटों में रूपांतरित एक स्तंभ होता है जो कि कांटों में रूपांतरित हो जाता है, उसे बोलते हैं कंटक प्रकार का स्तंभ। ये मुख्यतः बोगेनवेलिया और करंदा में पाया जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटों का रूपांतरण पाया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा मॉडिफायर प्रकार के स्टेम्स, अब हम आखिरी में पढ़ेंगे इसके कार्य। देखिए, जो तना होता है वो अपने अंदर या अपने ऊपर पौधे के सभी भागों को लगाए रखता है, नीचे से वो जड़ों को पकड़े रखता है, फिर शाखाओं में पत्तियों को, फूलों को, फलों को, सभी को ही अपने अंदर समाकर रखता है। तो एक तरह से अगर हम देखें, जो तना होता है वो एक पौधे की बैकबोन होती है, तो हम तने को पौधे की बैकबोन कह सकते हैं। इसके अलावा तना होता है वो खाद्य पदार्थों का संचरण करने का कार्य भी करता है। ये जल का संवहन जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाना, ये भी तने का कार्य होता है। इसके अलावा जो विशिष्ट परिस्थितियों में जो तना होता है वो जनन का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है ये, और ये भोजन संचयन का भी कार्य करता है। तो ये था हमारे पास तने का लेक्चर और ये हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू।